तो फाइनली हम लोग हवा महल पे पहुंच चुके हैं, मामा और भांजा। सामने जो है घोड़ी तैयार है, मतलब तो पता नहीं दूल्हे को बैठाएगी मामा जी को बैठाएगी, बढ़िया आई थिंक थोड़ा बच के घोड़ी की टांग जो बोलते हैं ना उल्टा पार्टी है, पता है ना। तो मामा जी चलिए मामा जी निकल लेते हैं, जय अम्बे माँ। हाँ बच गए, देखते हैं मामा जी बच पाते हैं कि नहीं। बच गए, मतलब मैं सोचा कि मामा जी को घोड़ी है जो घोड़ी की उल्टी पाँव जो होती है ना बड़ी भारी होती है। ये हवा महल है, इसमें हवा बहुत तेज आती है इसलिए इसका नाम हवा महल रखा गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, सिद्धि से बनाया गया, मतलब ताजमहल के बारे में खूबसूरत है इंडिया में वो है हवा महल। फ़ोटो नहीं लेंगे मामा जी, फ़ोटो का काम ही नहीं है। तो ये हवा महल आप इधर आ जाइए बैकग्राउंड से। तो फाइनली ताजमहल नहीं है, क्या बोलते हैं, हवा महल पर आ चुके हम लोग। अभी थोड़ी देर हवा महल की सैर करेंगे, उसके बाद जो जौहरी बाज़ार है यहाँ का वहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है वो करेंगे। तो जौहरी बाज़ार से शॉपिंग करने के बाद हम जाएंगे आमेर फोर्ट, और वो सामने मेरी फेवरेट टेटू शॉप है, टेटू कैफे है, वहाँ पे एक बार हम टेटू भी बनाया था। तो इस रूफ टॉप पे बैठ के खाने पीने का एक अलग ही आनंद है, जस्ट लाइक दिस हवा महल के बिल्कुल सामने ही पड़ता है। और काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पे आए हुए, आप देख पा रहे होंगे सेल्फीज फोटोज ले रहे हैं। हवा महल के अंदर भी चलते हैं ना, है ओपन है अभी बंद है, एक बार पूछ लेते हैं अगर खुला हो तो अंदर भी जाते हैं। ठीक है, अंदर जो है इसके झरोखे उसमें से हवा जो है काफ़ी अच्छी अच्छी हवा आती है, मतलब बहुत ही खूबसूरत हवा यहाँ की, मतलब जो एसी और कूलर को फेल करती है। यहाँ गुब्बारे वाले वगैरह काफ़ी सारे हैं, चलिए आप I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. But I think. So finally, मोमो साहब को मैं बोल रहा हूँ ये ताजमहल है, मान ही नहीं रहे। ताजमहल है ये? ताजमहल है, अच्छा हवा महल है। तो ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल आगरा। बेच दिया मतलब। ताजमहल कहाँ पे? बेच दिया। फाइनली अभी हम खड़े ताजमहल पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शाहजहाँ ने मुमताज की याद में ये ताजमहल बनाया था। कैसा लगा मामा ताजमहल आपको? ये ताजमहल नहीं है। अरे ताजमहल है मामा जी, हवा महल है। तो ताजमहल कहाँ गया? ताजमहल बेच डाला। कब बेचा? कब भी का। ओह माय गॉड, देखो मामा जी ने ताजमहल बेच दिया। अब हम ताजमहल कैसे? मम्मी की याद में ताजमहल बेचना पड़ा। मम्मी सा की याद में ताजमहल बेच दिया। ए नेपाली धारो, नेपाली धारो बापू देव। मम्मी की याद में ताजमहल बेच दिया। हाँ सही बात है, मैंने नेपाल से शादी कर ली, उसके बाद मेरे को ये भेजने पड़े। तो मामा ने नेपाल में शादी कर काको सागर वीडियो दे। मामा जी सो बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे घूमने का। जयपुर मतलब बहुत ही प्यारी सिटी, पिंक सिटी से क्लीन एंड ग्रीन। और मामा जी मामी से वीडियो देख ही चढ़ा, तो सुपर अमेजिंग मतलब ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ की जो जयपुर की बात ही कुछ और है। यहाँ पर कपड़े वगैरह जो है, अभी सेल्फी का ज़माना है तो काफ़ी सारे लोग सेल्फीज लेते हुए। और ये देखिए यहाँ पे कुछ हस्तकला है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह है। और ये अंदर का गेट है, ये कहाँ हवा महल में जाने वाला है, गोरखनाथ जी का मंदिर, गोवर्धन जी का मंदिर। चलिए गोवर्धन जी के दर्शन कर ले। तो मामा जी देखिए अपन को मंदिर अंदर में जाएंगे जब तक तो लेट हो जाएंगे, अपन को जो ताजमहल देखना है जो मामा जी की याद में भेज दिया था। तो मामा जी है ताजमहल देखना चाहते हैं जो मामी जी की याद में इन्होंने भेज दिया था। वापस चलना पड़ेगा आगरा। आगरा यहाँ पे चमड़े की भी काफ़ी दुकानें, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने चमड़े का मास्क बनाया था आपको पता हो तो। ये देखिए मोजरी वगैरह, जूती वगैरह, ये भैया आराम करते हैं यहाँ पे। चमड़े की काफ़ी अच्छी अच्छी रेंज है यहाँ पे, बैग्स वगैरह जो कि यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं वो काफ़ी इसको मतलब लेके जाते हैं अपने वहाँ पे। मेरे पास फिलहाल चमड़े का सिर्फ कलेक्शन में मास्क है और एक ही बेल्ट है जो कि मैंने जोधपुर से लिया था। और एक विंटेज गाड़ी खड़ी यहाँ पे, क्लासिक क्लासिक, ये है क्लासिक गाड़ी जो कि आपने लास्ट कलेक्शन में देखा होगा, और जहाँ मैंने आपको 112 गाड़ियों का कलेक्शन दिखाया था। मतलब इंडिया के जितने भी राजा महाराजा सबकी जो गाड़ियाँ हैं उस विंटेज कलेक्शन में शामिल थी, 112 गाड़ियाँ सारी ऑन, मतलब ऑन द स्पॉट। चल मामा जी हमें उस बाजू चलना है पहले को। तो देखिए BMW जयपुर में पहली BMW, ये रिक्शा वाले भाई जाने दो जाने दो जाने दो। तो ट्रैफिक यहाँ पे थोड़ा बचेगा। ओ माय गॉड बची गए हो। आज हम मामा भांजा दोनों उठ जाते हैं। वो भाई साहब ऐसे भाई घुसे ना,
दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो में आप खुद मुझे नोट करके बताना, इससे पहले का जो वीडियो था आप बनारस वाला, उसमें गाड़ियाँ यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही है आपको कुछ? हाँ, वहाँ पे हॉर्न कितना बजा रहे थे लोग, और यहाँ पे हॉर्न बिल्कुल कम बजा रहे हैं, तो थोड़ी शांति भी है यहाँ पे। पब्लिक्स है काफ़ी सारी यहाँ पे, दुकान वगैरह काफ़ी अच्छी सजी हुई है। टेटू कैफे, टेटू कैफे ये रहा जो लास्ट टेटू बनाया था हमने। मामा जी आज कैमरा संभाले बड़ा वाला, हवा महल का एक बार बहुत ही सुंदर दृश्य पीछे। चलो आप सामने जो नजर आ रहा है वो ताजमहल, एक बार ताजमहल नहीं यार हवा महल, मैं नाम भूल जाता हूँ यार, इसको हवा महल बोलते हैं। ये तो मस्ती कर रहे थे हम मामा भांजा दोनों, और इन्होंने कोई ताजमहल नहीं बेचा है। शक्ल लगती है इनकी कि ये ताजमहल बेचेंगे, शक्ल से भी नहीं लगता, बट यू नो आई थिंक कि ताजमहल बेचने के लिए तो हालांकि बेच तो बिक सकता है, ख़रीदना चाहिए वैसे हालांकि। ये अंकल जी कुछ बुला रहे हैं, इनके पास कुछ मालाएँ भी है, लेकिन मुझे जो लेनी है सेम एक्चुअली इस टाइप की माला मिलेगी सर, और खोपड़ी खोपड़ी वाली मिल जाएगी कहाँ पर? तो भैया जो है बोले मिल जाएगी, चलिए देख लेते हैं। मुझे दो माला और लेनी है एक्चुअली, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स है अहमदाबाद में जो महादेव के भक्त हैं, तो मैंने बनारस से ये शॉपिंग किया था, तो उनको पसंद आई सेल्फी वीडियो कॉलिंग के दौरान, तो बोले हमारे लिए भी लेके आना। जब हम बनारस रिटर्न उस शॉप पे गए तो 3 बजे खुलने का टाइम था, तो हम लोग थोड़े जल्दी आ गए, तो कोई नहीं अब देखते हैं यहाँ पे मिल जाए तो दोनों फ्रेंड के लिए गिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके में चाहिए? हाँ बस ऐसी खोपड़ी वाली माला, इसमें 54 खोपड़ी है जो हमने बनारस में, हाँ 55 चलेगी, फ्रेंड को गिफ्ट करनी वाली दोनों खोपड़ी, एक आधी आगे पीछे होगी चलेगी, क्योंकि 55 वो हो जाएगी और 56 फ्रेंड की हो जाएगी, 56 खोपड़ी हो जाएगी, मोदी जी बोलते हैं जैसा 56 इंच का, तो 56 खोपड़ी। ये पूरा ज्वेलरी कलेक्शन ऐसी खोपड़ी वाली पड़ी आपके पास? तो ये भैया तो बोले ऊपर पड़ी अपने पास में, ये नहीं तो दूसरे तरीके में मिल जाएगी, दूसरे मतलब इसके मिलती जी ऐसी खोपड़ी रहेगी, पेंडेंट पेंडेंट। सुमित भाई आपके लिए हमने प्रयास तो किए, जो माला हमने पहनी है मैंने बोला था आपको, वादा दिया आपके लिए लेके आऊँगा, आपने फोन पे वीडियो कॉल पे बोला था, बट यू नो आई थिंक हम जयपुर में भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बनारस जिस शॉप से ली थी वो शॉप पे हम गए तो 3 बजे खुली थी और हम निकल चुके थे वहाँ से, तो कोई नहीं फिर नेक्स्ट बनारस जाना होगा या जयपुर में ढूंढते, अगर मिल जाएगी तो लेके आएंगे, और भी कई जगह पर हम ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाती है तो आपके और बापू के लिए दोनों के लिए एक एक सेम माला गिफ्ट, और नहीं तो फिर रामराजे। तो एक बार फिर से हवा महल पे पहुँच चुके हैं मामा जी, हवा महल बहुत ही खूबसूरत। एक सेकेंड आप यहाँ पे इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए, तो इधर आ जाइए मामा जी, तो इधर इधर इधर, तो फाइनली मामा भांजा दोनों की जोड़ी है। चश्मा कहाँ गया? ये चश्मा बार बार उतार लेते हैं यार, देसी है बोलते हैं जो होता, हम दोनों इस पर नीचे और हवा महल हमारे ऊपर है, बहुत ही प्यारा सीन है हवा महल का। ताजमहल तो हालांकि हम नहीं जा सके क्योंकि परमिशन नहीं मिली हमारे को जाने की, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो ताजमहल भी जाएंगे। अभी हम हवा महल की विजिट कर लिए हैं, आपको हवा महल कैसा लगा वीडियो के माध्यम से हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, कि इससे पहले कभी आपने हवा महल देखा था। जय किन्नाराम बाबा, जय किन्नाराम बाबा, हर महादेव। अभी हम चलते आमेर के लिए, सो आमेर के लिए बस मिलेगी हमारे पास साइड से। इससे ज्यादा कितना सड़क के बैठेंगे आप ही बताइए क्यों मामा जी? बस काफी बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पे रिवाज है जब तक रिवाज नहीं है, ये राजस्थान का क्या है गाड़ी वाले भरने का काम, ये पूरे राजस्थान में यही समस्या है। मैं आपके गांव आया था तब मेरे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, बालेश्वर से जब मैं रिटर्न आया, मुझे ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है राजस्थान के अंदर, गुजरात में भी है हालांकि, लेकिन ऐसा नहीं रहता है, बैठने की सीट फुल होने के बाद एक्स्ट्रा सवारी नहीं बिठाते खड़े खड़े वगैरह। अभी आप देखना यहाँ पे कितनी सवारी और बढ़ते हैं, उसके बाद बस आगे की ओर जाएगी। देखिए कुछ स्टूडेंट्स भी हैं वो आ चुके हैं, लेकिन जो है बच्चों को जो है यहाँ पे बोले कि खड़ा कर लो, बच्चों को खड़ा करेंगे यार, थोड़ा थोड़ा सा रखना भाई। अभी देखिए मामा को भी सरकार है भाई, अंदर काम कर तो मामा जी को सरकारी की कोशिश की जा रही थी,
गाड़ी एकदम फुल हो चुकी है, लेकिन अभी फुल नहीं हुई। यहाँ की भाषा में, राजस्थान की भाषा में, और भरेगी गाड़ी यहाँ पे। सो फाइनली आमेर किले पे आ चुके हम लोग। अभी यहाँ पे सामने जो रूप तो देख पा रहे होंगे, गुड़िया के बाल बोलते हैं अपने, होते कहीं कहते बम्बी। और मामा जी आज बने हैं कैमरामैन, मेरा जो कैमरा है। मामा जी आमेर किले पे नया जॉब इन्होंने चालू किया है, ये फोटो खींचते हैं यहाँ से 5-5 रुपये में फोटो। और फोटो नहीं, 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 25 रुपये। अच्छा 20 रुपये जी एस टी के, 20 रुपये जी एस टी चार्ज ले रहे हैं मामा जी। चालू वहाँ थे हिटा दें उन्होंने कॉपी वोपी। द स्टेज रूफटॉप